जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करने के कुछ सेकंड बाद तक रिफ्रेश ऑप्शन दिखता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के कुछ सेकंड बाद तक रिफ्रेश ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर साइड चार ऑप्शन मिलेंगे, डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो आपको चौथे नंबर का जो ऑप्शन है एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस पे कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन और रिमोट ऑप्शन मिलती है, जिसमें से आपको एडवांस में क्लिक करना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद में आप विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर, शेड्यूलिंग मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी, इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है विजुअल इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है लेट विंडोज चूज व्हाट बेट्स फॉर माई कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपायरेंस, तीसरा ऑप्शन है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन है कस्टम। तो आपको तीसरा ऑप्शन एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है उसका लोगो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अप्लाई करेंगे आप, जैसे कि मैंने अप्लाई कर दिया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर। दोस्तों, दूसरी टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पे आप अपनी रैम को 18 GB 20 GB तक कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी टिप्स बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपका कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा। हैंग होने का मुख्य कारण है कि आपकी रैम कम पड़ जाती है। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट बटन का लोगो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम फिर से डेस्कटॉप में आएंगे और अब रिफ्रेश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करने के बाद बिल्कुल भी रिफ्रेश ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मेरा कंप्यूटर की स्पीड दोगुनी हो चुकी है। दोस्तों, अब दूसरी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको एक पेन ड्राइव की आवश्यकता होगी। आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव फंसाएंगे और माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद में आप अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया हूँ, मेरी पेन ड्राइव पूरी तरह से खाली है। जैसे ही आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद में आप पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, पहले आप देख सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव पूरी तरह से खाली है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको एक विंडो मिलेगी जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी, रेडी बूट, क्वेटा, कस्टमाइज, जनरल टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग आदि ऑप्शन है, जिसमें से आपको रेडी बूट ऑप्शन पर जाना होगा। रेडी बूट ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूट, इस पर टिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव जो है 15 GB है। मैं आप इसको रैम की तरह कितना यूज करना चाहता हूँ, यदि 4 GB यूज करना चाहता हूँ तो 4 GB कर सकता हूँ, इसको मैं पूरी तरह से रैम की तरह ही यूज करना चाहता हूँ तो इस पे सेकेंड ऑप्शन है, उस पे क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद ओके कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है, मेरे कंप्यूटर रैम को पूरी तरह से, पेन ड्राइव को रैम की तरह यूज कर रहा है, पूरी फुल हो चुकी ही है। अब मेरे पेन ड्राइव को कंप्यूटर रैम की तरह यूज करेगा। इस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव लगाकर पेन ड्राइव को रैम की तरह यूज कर सकते हैं तथा अपने कंप्यूटर जो बार बार हैंग होता है
वह हैंग भी नहीं होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा इसी तरह के अन्य जो भी वीडियो डाले जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।